लाइफ से मतलब आई थिंक मम्मी डैडी और एंड तीनों ही आ जाएंगे क्योंकि सब अपना अपना सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस और सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं. बट अयान का मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वी हैव बीन इनसेपरेबल सिंस लास्ट 4-5 years. उसके पहले क्या हुआ था क्योंकि मैं डेली सोप ही कंटिन्यू करती थी और रोज शूट पे जाती थी ना तो मैं आयान से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी. एंड आई रिमेम्बर इन सेइंग डैडी को दैट मुझे ऐसी अपनी नहीं चाहिए, वो मुझे प्यार नहीं करती है क्योंकि ना मैं रियलाइज नहीं कर पा रही थी इतना काम में बिजी होगी कि यार वो मेरा भाई है और मुझे उसको कितना अटेंशन देना है और कितना लगाना है. मैं उससे बात नहीं करती थी, मैं सिर्फ काम पे रहती थी, घर जाती थी, सो जाती थी. वो मेरे साथ सेट पे भी आता था तो भी ना मैं उसको ना मैं बात करती थी ना कम्युनिकेट करती थी. मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे किस तरह से हैंडल करना है एक छोटे भाई को, वो मुझसे 6 साल छोटा है. बट जब मैंने बंद किया और तब जब हम कनेक्ट हुए तो मुझे लगा यार मैं इतने साल कितना कुछ मिस आउट किया है. सो नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो मैं तो कॉम्पनसेट करना चाहती हूँ जितने साल उसको लगा है कि अभी मुझे प्यार नहीं करती है.